लो जी प्रीत बना लिया जी चटनी मिक्स वाली तो ये की पिया दस दें तुम्हें प्रीत ने बना ली चटनी इस पाया पुदीना हरिया मिर्चा थोड़ी जी मूली कुट के सारी मिक्स करके बनाई है वधिया चटनी बहुत स्वाद होंगी करारी पूरी नमक वगैरह पा के बनाई सोनी लो प्रीत ने अज बना ली है शक्करकंदी मतलब उबाल ली है तो छिलते हैं गर्म है ना पूरी सेके निकल रहे धुएं निकल रहे पूरे पूरे कोई नहीं थोड़ी ठंडी होने दो आहो ये तो है ही है थोड़ा थोड़े ध्यान नाल पोले पोले थना ना छिलो कलर सोहना है पीला जहा गर्म है कट्टा ना नहीं दे है चाकू अच्छा एक चलो कोई कट देना मैं पहले कट लो नहीं दे इन्हें कट लेने फिर इधर मम्मी उन्होंने कटने शुरू कर दिते मटर बनावांगे मटर गाजर मटर से गाजर आलू ने पौने अच्छा आलू नहीं पौने चलो मटर गाजर मैं सवाल बांधी है ना आलू की लोड़ ही नहीं मम्मी आ मटर रख लिया थोड़े जी इधर रखो चौलां दे शकीन मम्मी नूं आखण दे वी मटर रख ले मम्मी आपां नहीं खाने तुसीं खा लिओ मम्मी भी खा लैंदे मम्मी तुसीं खा लैंदे अगे मैं संदीप बनांदी हुंदी सी रोज ही मम्मी पता है रोज ही सर्दियां च भी रोज ही बनांदियां हुंदियां सीगियां फिर नाल मिर्चां दा चार गल गल दा चार लैके ते कोठे इक्को ही प्लेट च पै के खानी चपला चौकी शक्करकंदी पाने नमक काला नमक पा लीए लिया चाट मसाला पाने हल्का हल्का नींबू पा लें उधर गुरबाज वेखण डिया मच्छी वाली वीडियो कहिंदा पापा फिश वाली वीडियो लाओ सामने लाई डैडी ने एलईडी ते नींबू वगैरा चाट मसाला पा लिया हम खाने फिर लो जी मम्मी होना चीरतियां गाजर मटर बनावांगे ठीक है निके निके सही है नहीं हाँ गल भी जानी है वादी हाँ छोटी सोनी बन दिया बहुत टेस्टी बन दिया मटर तो गजर बढ़िया बन लो जी ठंड का माहौल हो गया तो रोटी पानी आप खा लिया तो प्रीत कौर ने बनाई है गाजर रोटी पानी आप खा लिया तो हूँ प्रीत कौर कह रही है भी अज तू मैं गजरेला बना के खवानी है
गजरेले वाला मौसम हो गया, ठंडा मौसम हो गया, तो ठंड के मौसम च ही ज़्यादा वधिया लगता गजरेला। तो जो दिसंबर के महीने आ जाता तो फिर गजरेला बनना शुरू हो जाता सारे घर भैन भरावान के। सो अज आप भी बना लगे गजरेला। तो गजरेला बनाने वास्ते पहला आप गाजर ने वो क्रश कर लिया सी, हूँ तैयारी है गजरेले की। क्रश की गाजर में पहला इतना कढ़ाई दे पा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पानी है जो छड़ना होंगे गाजर ने, तो पहले इदा ही सका लीए पहला चंगी तरह, उस तो बाद फिर दुध। हाँ हाँ वो तो है, दुध इस तो बाद फिर ना ही उस तो बाद फिर पावे दुध। अच्छा खंड की जगह, चलो मम्मी ने चवाइस है, मतलब आप खंड भी यूज कर सकते, चीनी जिन्हों आप कहने वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अज चीनी की थान के उपर खड़ा खा के देखते हैं गुड़ वाला। अच्छा गुड़ कहती है प्री कहती है कि गुड़ पाना आप खंड की थान से गुड़ वाले। हाँ चलो कोई नहीं, अज फिर कोई नहीं मम्मी होना दी अज चवाइस है, गुड़ पा के तुम बनाओ गजरेला। हाँ चलो ओ अज आप भी ट्राई करके वेखते, आप ट्राई नहीं किया, मैं तो यही ट्राई किया भी मतलब जोड़ा आप चीनी खंड पा के बना बनाने तो वही ट्राई किया, तो अज आप भी ट्राई करते हैं। इन्ना को होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोखियां गाजर ना सुंगड़ जाए, यानी कि कट्ठिया जो हो जाए थोड़िया जी हो जाए। ये कितनी गाजर सी गा? डेढ़ किलो सी। अच्छा एक किलो गाजर का आप अज बना लगे गजरेला। तो किलो गाजर जो वेखो तीन कि किनिया रह जानियाँ, ये समान आप लिया है ड्राई फ्रूट के बदम लिया वा, तो एक काजू ले ने, तो एक थोड़ा जहा खोया लिया ने, बाकी इलायची भुल गए आप। हाँ बिल्कुल इलायची हरी तुम पा सकते हो, मतलब साढ़े दिमाग तो निकल गया सी गया। मतलब उदा घरें आम पईया होंगे अज ही खत्म हुई तो हूँ सुखना टाइम ही ज़्यादा हो गया सी, तो इस करके आप जी इलायचियों मिस कर रहे हैं, तो कोई गल नहीं फिर सही इलायची हरी इलायची भी यूज कर सकते। बेच फ्रीज भुली फिर दी तो मैन कह सोगी कितने आ, नहीं सोगी तो खुद च पई है हमने कड ली है, तो सोगी भी आप यूज करा। तो हाँ कोई ना पानी सारा समान इधर आ गई, सोगी काजू बदम खोया सारी चीज़ों में ऐड करा। सब तो पहले इन्हें भुन लिए चंकी तरह, तो उस तो बाद दुध में भी इन आप मतलब बॉयल करा चंकी तरह। लाइ गरप्रीत ने पाता देसी घ्यो भी, एक देसी घ्यो के करके छड़के लावे अब। हाँ वो हल्का जहा ही अपनी, लेकिन आप थोड़ा जहा देसी घ्यो आप यूज कर लिया थोड़ा जहा, मतलब तड़के तौर पर जो ला लो ओदा मतलब फ्राई भी हो गया वी गाजर। घ्यो जरा पाया और थोड़ा थोड़ा हिला लिया इन फ्राई जहा कर लिया माड़ा माड़ा, तो
उस तो बाद हम पाने दुध की वारी आ गई हूँ दुध पाने दुध चंगी तरह थले लग हिलाते रहना कि जो गाजर आ चंगी तरह मतलब थले ना लग जाने सारे बंदे हिलाते रहना गाजर में जो थले लग गई तो फिर बासना जी थोड़ा खराब हो सकती है इस करके सारे बंदे जी कड़छी है पानी में सारे बंदे जरा चलाना है दुध भी आप इधर बॉइल कर लिया ही घुमा निकल लिया भी देख सकते हो तो दुध आप बॉइल ही पा लाँगे भी उन्नी जल्दी जरा काम हो जाए साडा तो दुध बॉइल होगा तो छेती जरा बाला खा जूगा गुड़ आ गया साडा देसी गुड़ देसी गुड़ ही यूज करांगे थोड़े जिहा पकाउण तों बाद इहदे विच कर दिंदे हां गुड़ ऐड गुड़ भोर के इदां ही पा लांगे बाकी गुड़ तुम अपने गुड़ या चीनी अपने मतलब स्वाद के अनुसार पा सकते जिमें कि आप नॉर्मल जहाँ खाने तो जो तेज़ खाने वाले ने अपने हिसाब से ज़्यादा भी पा सकते हैं चंगी तरह जो आप गुड़ पाया है चंगी तरह मैरीनेट हो जाए बिच पूरी तरह रच जाए जोड़ा मिठा अपना पूरा दे दे सारे मतलब गजरेले दे सारे दे हूँ ये सौगी ऐड कर लेंगे नाल ही सौगी ऐड करने तो बाद हजे काजू बदाम भी ऐड करने ने कर लेने काजू ऐड बदाम काजू सारा कुछ ऐड कर लेने चंगी तरह पका लाँगे कि जो आप दुध पाया वा ये ही बिल्कुल मैरीनेट सुक जाए दुध भी एक हिसाब न पूरा जरा गजरेला साडा तैयार हो जाए तो लगभग किलो दुध पाया आप गड़वी पूरी भर के किलो वाली लगभग जोड़ा आप गजरेला बना रहे हैं तो किलो मतलब गजरेला बनाया तो किलो ही दुध पाया वा तो जे आप अद्धा किलो गजरेला बना हो अद्धा किलो ही दुध दुध भी यूज अद्धा किलो ही करा सो इस करके मतलब जिमें कि दो किलो बना हो दो किलो दुध यूज करो बिच इदा करके बनाओ रैसपी तो ज़्यादा वधिया बनती है तो हम कुछ देर लिए ढक दें आप जो दुध है वो चंगी तरह बिच सुक जाए तो उस तो बाद ऐड करा आप खोया दस मिनट बाद फिर इन चेक कर लाँगे कि जरा दुध सुक गया जी जो दुध पाया ही चंगी तरह सुक गया तो हम ये ऐड कर दें आप खोया लो हम खोया ऐड कर लें ताज़ा खोया
लगभग जरा सा है गजरेला तैयार हो गया। बस हमें जी दो मिनटा की गेम ही रह गई है बस। जरा खोया चंगी तरह मैरीनेट हो जाए तो करके थोड़ा टाइम लग गया। सारिया गाजर चंगी तरह मैरीनेट हो जाए जी। फाइनली जरा सा गजरेला तैयार हो गया। रंग तुम दिखाने तो बाद लो जी फाइनली आ गया साडा गजरेला रेडी होके। रंग ती वेख सकते गजरेले जी साडे तो मुंह च पानी आ रहा बिलकुल। देखो जी संगत दिखायो जी दिखायो मेरी गल सुनो। हाँ मम्मी ना टेस्ट करवाने भी पहला कि लगा गजरेला फिर खा के दसन गए हूँ। मम्मी दसो ओके तो मिठा मुठा ठीक है ना सारा ठीक है ना बहुत चलो कोई नहीं चलो चीजी अलमारी च वड़िया जे अलमारी च वड़िया वेखो पंगे लैन डे अलमारी च वड़ के सिमरनजोत कौर मेरे एक होर वीर जी है दिमांशु जी जलंधर तो। हां जी जी कि बाय बाय।